हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप फोटोशॉप के अंदर किसी भी फोटो से दाग धब्बे पिंपल्स को कैसे रिमूव करेंगे और अपनी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, और अब वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर देना, नीचे हमें कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए नीचे आ रहे रेड कलर के सब्सक्राइब वाली बटन को दबा दीजिएगा और बगल में आ रहे बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर फोटोशॉप के अंदर एक फ़ोटो को ओपन करा हुआ है। तो आप इसका चेहरा देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारे दाग है, धब्बे हैं दोस्तों, पिंपल्स हैं। तो हमें इसको यहाँ से रिमूव करना है और यहाँ से हमें इस स्किन को यहाँ पर स्मूथ और सॉफ्ट बनाना है। दोस्तों, हम क्या करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे पहले तो आप अपना फ़ोटो को फोटोशॉप के अंदर ओपन करा लेना, उसके बाद में हमें इसका डुप्लीकेट बनाना है दोस्तों इस फ़ोटो का। तो हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे को प्रेस करेंगे। कंट्रोल जे को प्रेस करने के बाद में दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने लेयर ऑप्शन में यहाँ पर एक डुप्लीकेट लेयर बन गई है दोस्तों, लेयर वन के नाम से। तो हमें इसी पर काम करना है, इस बैकग्राउंड से हमें कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। तो हमें लेयर वन पर काम करना है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये इसके डुप्लीकेट होने के बाद दोस्तों, अब हमें जाना है दोस्तों यहाँ पर इमेज पर जाने के बाद दोस्तों, आपको एडजस्टमेंट पे जाना है। एडजस्टमेंट पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर कैनवास, इस पर आपको कर्व्स, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको इसकी थोड़ा सा ब्राइटनेस को हाई कर देना है, ज़्यादा नहीं दोस्तों, थोड़ा सा आपको हाई करना है। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर आपको इसको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों, यहाँ पर आपको जाना है दोस्तों फ़िल्टर में जाने के बाद में दोस्तों, यहाँ पर आपको ब्लर पे जाना है। ब्लर पे जाने के बाद में यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पर एक ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, गॉजियस ब्लर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों, यहाँ पर आपको इसका रेडियस है दोस्तों, वो आपको 4.8 रख देना है। अगर दोस्तों आपने DSLR से फ़ोटो क्लिक की है तो आप यहाँ पर 15 ले सकते हैं, इसका रेडियस 15 रख सकते हैं। और दोस्तों, मैंने यहाँ पर कैमरे से ली हुई फ़ोटो दोस्तों यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर आप फोन 4.8 रख सकते हो, और उसके बाद में आप यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद में दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा दोस्तों आपके सामने इस फ़ोटो का। उसके बाद दोस्तों, आपको लेयर ऑप्शन में जाना है, और लेयर अगर दोस्तों आपके पास यहाँ पर लेयर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर विंडो में जाएंगे, और यहाँ पर दोस्तों आपको लेयर ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको टिक कर देना है। यहाँ पर इनेबल हो जाएगा दोस्तों आपका लेयर ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर इसको ब्लर करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको लेयर ऑप्शन में आ जाना है, और नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों लेयर मास्क, इस पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों, ऐड लेयर मास्क पे। दोस्तों यहाँ पर आपको F का सिंबल दिख रहा होगा, इसके बगल में आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगल का टूल मिल रहा होगा दोस्तों, राउंड का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर एक लेयर बनकर रेडी हो गई है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर लेयर बनकर रेडी हो गई है। उसके बाद दोस्तों, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको टूल बार में आ जाना है। यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन मिल रहा होगा दोस्तों, वाइट और ब्लैक, ये आपको कलर मिल रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको ब्लैक को ऊपर कर देना है दोस्तों, ब्लैक को ऊपर करने के लिए यहाँ पर आपको टिक कर देना है एरो पे, यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर ब्लैक ऊपर हो जाएगा दोस्तों और वाइट कलर नीचे हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करने के बाद में हमें यहाँ पर जाना है दोस्तों, यहाँ पर ग्रेडियंट टूल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों पेंट, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों आपको पेंट बोकेट टूल, इस पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। और इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको उसको क्लिक कर देना है फ़ोटो के ऊपर। तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको ब्रश टूल ले लेना है दोस्तों। यहाँ पर ब्रश टूल लेने से पहले दोस्तों, आपको जो ये ब्लैक कलर है दोस्तों, इसको नीचे कर देना है। इसको नीचे करने के लिए यहाँ पर एरो पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा, और हमारा जो वाइट कलर है वो ऊपर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको ब्रश टूल को ले लेंगे। ब्रश टूल को लेने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको इसकी जो ओपेसिटी है उसको आपको अपने हिसाब से रख लीजिएगा दोस्तों। 40 रखना चाहते हो या 50 रखना चाहते हो, वो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। उसके बाद में फ्लो आपको 100 रखना है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर आपको ब्रश, इसका आपको यहाँ पर साइज़ भी आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो, या फिर आप फ़ोटो के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो आप यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पर काम करना है। तो अब हमें क्या करना है, इसका दाग पिंपल्स हटाने हैं, तो हमें इस पर ड्रॉ करना है दोस्तों। इस ब्रश से हमें ड्रॉ करते जाना है, जहाँ जहाँ पर आपके दोस्तों यहाँ पर पिंपल है वहाँ वहाँ पर आपको ड्रॉ करते जाना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ड्रॉ कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपको जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ दोस्तों, वैसे वैसे आपको यहाँ पर ड्रॉ करते जाना है दोस्तों। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, स्किप बिल्कुल मत करना दोस्तों, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में यहाँ पर नहीं आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ दोस्तों। अब भी दोस्तों थोड़ा थोड़ा यहाँ पर दाग पिंपल दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम वापस से
यहाँ पर जब तक दोस्तों यहाँ पर ये पिंपल्स अटेंगे नहीं तब तक हमें यहाँ पर करते रहना है। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ दोस्तों, आप भी ऐसे ही करते रहना दोस्तों ड्रॉ इस पर। तो यहाँ पर धीरे 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 दोस्तों यहाँ पर सभी पिंपल्स दाग धब्बे अट जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको पूरा क्लीन कर दिया दोस्तों, आप अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, नीचे से भी मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। तो अब देख लीजिए दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल भी दाग धब्बे बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ से बिल्कुल रिमूव हो चुके हैं, ये देख लीजिए दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों आप किसी भी फ़ोटो से दाग धब्बे पिंपल्स को दूर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और अपनी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बना सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना, नीचे हमें कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ नीचे आ रहे रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिएगा और बगल में आ रहे बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।